गैर सरकारी स्कूल महासंघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह, मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारा पूरा जो संगठन है ब्यावर से 9 तारीख को प्रातः 9 से 10 बजे के बीच में ब्यावर से रवाना हुआ था, और हमारी जो रैली है वो ब्यावर से कूच करके कल मांगलियावास होल्ड किया था। आज हमारे को किशनगढ़ संगठन ने यहाँ पर रोका है। हमारा जो पड़ाव है आज यहाँ पर किशनगढ़ में आया है। हमारे साथ में बहुत ही अच्छा समर्थन अजमेर से मिला। हमारे जो रैली का मेन मुख्य जो मुद्दा है, पिछले 15 से 16 महीनों से हमारे जो विद्यालय बंद पड़े हैं, विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं लगातार राजस्थान के प्रत्येक जिले से और प्रत्येक संगठन राजस्थान सरकार से मांग कर चुका है। विभिन्न प्रकार के धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, परंतु राजस्थान सरकार के जो भी आला अधिकारी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं या जो भी इससे संबंधित अधिकारी है, उन्होंने आज तक कान खोल के किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं किया। यही कारण रहा है कि एक पैदल यात्रा हम यहाँ से जयपुर लेकर जा रहे हैं, और ये आह्वान कर दिया गया है राजस्थान के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक कस्बे से और प्रत्येक गली में जो भी छोटे से लेके बड़े विद्यालय संचालक हैं, यदि हम जयपुर पहुंचते इन मांगों पे किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हमारे प्रदेश के चारों कोनों से विद्यालय संचालक वहां पर पहुंचेंगे। और जो हमारी मांगे अभी माननीय सचिव महोदय ने, इश्तियाक जी ने बताई, सारी संक्षिप्त में बता चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लिखित में दे चुके हैं, और हमने मीडिया के थ्रू हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें केवल 10 मिनट का समय देकर, जैसे ही हम जयपुर पहुंचते हैं, हमारे से मुलाकात करें, हमारे से बात करें, जो हमारी वाजिब मांगे हैं उनको मानने का कम से कम कष्ट करके। जो विद्यालय संचालक आज बिल्कुल रोड पर उतर चुके हैं, इससे बड़ी विडंबना कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हमारी यही मांग है, माननीय आप मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अब हम हताश हो चुके हैं, अति से अति ज्यादा हो चुकी है, और अब हर विद्यालय संचालक कफन बांध कर बैठा है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगे नहीं सुनते हैं तो इतिहास के अंदर वो एक पड़ाव वहां पर डाला जाएगा जिसको पूरा इतिहास याद रखेगा। सभी संचालक साथियों को नमस्कार। आज दिनांक 10 अगस्त 2021 को ब्यावर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे संघर्षशील साथियों ने प्राइवेट स्कूलों की हित के लिए जो मुख्य मांगे हैं उसके लिए पदयात्रा ब्यावर से जयपुर निकाली है। उसी के तहत आज इनका यहाँ किशनगढ़ पदयात्रा होकर गुजर रही है, जिसमें किशनगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ स्वागत किया गया है और पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है। ब्यावर के हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथियों की जो मुख्य मांगे हैं, जो पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों की मुख्य समस्या है, सबसे पहली जो हमारी मांग है, राज्य देश के लगभग 13 से 14 राज्यों ने स्कूलें ऑफलाइन मोड पर खोल दिए, लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने हठधर्मिता दिखाते हुए चिकित्सकों की और सभी विशेषज्ञों की रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए राजस्थान में स्कूल खोलने का आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया है, जिससे हमारे राज्य के और देश के नौनियालों के भविष्य पर गलत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे निजी विद्यालयों के हित से जुड़े हुए अन्य जो मुद्दे हैं, मुख्य रूप से हमारे आरटी के तहत निशुल्क विद्यार्थियों को जो हमने पढ़ाया है, जो हमारा मेहनताना है, फीस है, पिछले 1.5 वर्ष से, विशेषकर सत्र 2020-21 का हमारा भुगतान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, जिसमें यह कहा गया था कि 31 जुलाई 2021 तक राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके आरटी का बकाया भुगतान किया जाए, जिसकी प्रक्रिया भी आज दिनांक तक चालू नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य के विद्यालयों को विभिन्न स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ भी हमारे ब्यावर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथियों ने आंदोलन का बिगुल बुझाया है। राज्य सरकार की भेदभावपूर्ण, विसंगतिपूर्ण, अत्याचारी नीतियों के खिलाफ, जिसमें प्रमुख रूप से जो भेदभाव है वो ये है कि शाला दर्पण जो पोर्टल है सरकारी विद्यालयों का, वो पूरे वर्ष भर चालू रहता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का हमारा PSP पोर्टल जब चाहे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा बगैर TC का जो आदेश है उसके बारे में भी ये मांग की जाती है कि उस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए और TC के द्वारा ही एडमिशन लिया जाए, इसे वैध किया जाए, जिससे कि निजी विद्यालय संचालकों और अभिभावकों में जो टकराव की स्थिति है उसे टाला जाए। इसके अलावा हमारे जो
पिछले दो वर्षों से डेढ़ वर्षों से हमारे संचालक साथी आर्थिक संकट में घिरे हुए हैं, उनके लिए राहत पैकेज की हमारी मांग है कि यदि आप जो हमारी संख्या है उस विद्यार्थी संख्या के आधार पर हमें आर्थिक सहायता प्रदान करें, ये हमारी मुख्य मांगे लेकर हमारे ब्यावर के संचालक साथी निकले हैं। ये पूरा आंदोलन इनका पूरे राज्य भर में पूरे प्राइवेट स्कूलों ने इसको समर्थन दिया है, किशनगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा भी इन्हें पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। यहाँ से कुछ साथी इनके साथ पैदल मार्च में जाएंगे और जब ये जयपुर पहुंचकर महापड़ाव में तब्दील होगा तब एक विशाल मशाल के साथ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री से वार्ता और घेराव करके निजी विद्यालयों की इन मांगों को उनको मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।